उड़ीसा के श्री जगन्नाथ मंदिर के आसपास उत्खनन और निर्माण कार्य मामले में याचिकाकर्ता को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। गुणवत्ता रहित जनहित याचिका दायर करने के चलन पर नाखुशी जताते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ये PIL का ऐसा इस्तेमाल कानून का दुरुपयोग है। कोर्ट ने माना कि राज्य के द्वारा की जाने वाली गतिविधियां व्यापक जनहित में आवश्यक हैं और प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अनुरूप हैं और साथ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रशासन के संबंध में जारी किए गए पूर्व निर्देशों के अनुरूप हैं। कोर्ट ने कहा कि निर्माण गतिविधियां भक्तों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए हैं। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि जनहित में किए जा रहे निर्माण कार्य आवश्यक हैं। कोर्ट ने हमारे जो पिटीशन था उसको पहले तो जो हम सीख किए थे कि स्पेशली पिटीशन फाइल करने की हमारे प्रेयर था उसको एक्सेप्ट किया, लेकिन स्पेशली पिटीशन को डिसमिस किया है और जो पिटीशनर्स है उनके ऊपर 1-1 लाख का जुर्माना भी किया है। हमारे ये था कि दो जो कानूनी तौर पर हमने कहा था कि एमसर एक्ट जो है वो वायलेशन हुआ है कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तथा जो प्रोहिबिटेड एरिया में कंस्ट्रक्शन हुआ था, सुप्रीम कोर्ट को स्टेट गवर्नमेंट कुछ हद तक समझाने में कामयाब हो गए। दरअसल मंदिर के आसपास उत्खनन कार्य को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने इस मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। याचिका के अनुसार राज्य की एजेंसियां प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल और पुराविशेष अधिनियम 1958 की धारा 20A का घोर उल्लंघन कर रही हैं। एक याचिका में पेश हुई सीनियर एडवोकेट महालक्ष्मी पावनी ने कहा कि राज्य सरकार को संरक्षित स्थल में किसी भी कार्य को करने के लिए प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अनुसार सक्षम प्राधिकरण से अनिवार्य रूप से एक NOC प्राप्त करनी चाहिए। राज्य ने निर्माण कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण से NOC ली थी। उड़ीसा के महाधिवक्ता अशोक कुमार पारीजा ने कहा कि प्राचीन स्मारक पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम के तहत प्राधिकरण NMA है और सक्षम प्राधिकारी को उड़ीसा सरकार के निदेशक संस्कृति के रूप में अधिसूचित किया गया है। निर्माण का मतलब मौजूदा संरचनाओं की मरम्मत या पुनर्निर्माण या सीवेज नालियों आदि को साफ करना नहीं है। उन्होंने कहा कि अनुमति निदेशक संस्कृति द्वारा दी गई थी, जो कि उड़ीसा सरकार के एक सक्षम प्राधिकारी हैं। 100 मीटर के भीतर जो प्रतिबंधित था वह निर्माण था। राज्य की अवधारणा योजना का उद्देश्य सुविधाएं प्रदान करना और मंदिर को सुशोभित करना है। उन्होंने कहा कि 60,000 लोग प्रतिदिन मंदिर जाते हैं और अधिक शौचालयों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मामले में न्याय मित्र ने कहा कि और शौचालयों की जरूरत है और अदालत ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। शीर्ष अदालत मंदिर में उड़ीसा सरकार द्वारा अवैध उत्खनन और निर्माण कार्य का आरोप लगाने वाली अर्धेंदु कुमार दास और अन्य की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट।